आज से ठीक 49 साल पहले यानी 1975 25 जून की रात को इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी लगने के बाद से संजय गांधी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र हुआ करते थे, हालांकि वो किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनका सरकार में बहुत ही प्रभाव था। उन्होंने 5 कार्यक्रम सुझाए थे और उस समय के जो तत्कालीन जनसांख्यिकीविद आर्य गोपाल स्वामी थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसकी उसको रोका नहीं गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि आयात करने के बावजूद भी अपने देश में अन्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने सुझाव दिया था कि नसबंदी कार्यक्रम चलाया जाए। अब संजय गांधी ने किसी पद पर रहे बिना ही उन्होंने बहुत ही कठोरता के साथ और प्रभावशाली तरीके से नसबंदी अभियान की शुरुआत कर दी। हालांकि बाद में वो खलनायक साबित हुए। उनके कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसकी सराहना आज भी की जाती है, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि संजय गांधी की मंशा क्या थी नसबंदी लगाने के पीछे, और नसबंदी को उतने ही प्रभावकारी तरीके से लागू करने के पीछे उनकी क्या सोच थी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साहब, हमारी 2 लड़कियां हैं, खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए, कृपया नसबंदी मत करो। साहब, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, नसबंदी मत करो। कुछ ऐसे ही वाक्य उस समय देखने और सुनने को मिलते थे जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। शायद देश के तमाम लोगों को याद होगा कि 24 और 25 की रात में अचानक ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। नसबंदी के नाम पर लोगों को डराया गया था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना अपना कोटा पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों के नसबंदी कर दिए जिन्हें नसबंदी की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। आपातकाल की घोषणा 24-25 जून की मध्य रात्रि को हुई थी, आज से ठीक 49 साल पहले। उसके बाद के 21 महीनों में इंदिरा गांधी ने भारत को तानाशाही की तरह चलाया, ऐसा लोग कहते हैं। उस समय कई तरह की जातियों की खबरें आती थी, जिनमें से एक थी सामूहिक जबरन नसबंदी की। उस अभियान के तहत कई ऐसे लोगों के नसबंदी कर दिए गए थे जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, और उस नसबंदी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए अधिक जनसंख्या लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, जो इस मामले पर पारंपरिक पश्चिमी दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक सहमत हैं, जो अधिक जनसंख्या को आर्थिक पिछड़ेपन से जोड़ता है। 1951 में जब भारत की जनसंख्या लगभग 361 मिलियन थी, तब प्रसिद्ध जनसांख्यिकीविद आर्य गोपाल स्वामी ने अनुमान लगाया था कि यह हर साल लगभग 5 लाख की दर से बढ़ेगी। उनका मानना था कि इस दर पर भारत को लाखों टन आयात के बाद भी अपनी खाद्य मांग को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा था। स्वामी की बातों को सुनकर शायद सरकार भी उनके प्रभाव में आ गई और उन्होंने उनके अनुरूप काम करने का फैसला कर लिया। ऐसा हालांकि पहले किसी अन्य देश में नहीं किया गया था। निश्चित रूप से नसबंदी हमारे देश के लिए एक अनूठी पहल थी। अपने शीर्ष जनसांख्यिकीविद की बात मानते हुए सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत नसबंदी करवाने के लिए जागरूकता अभियान और आर्थिक प्रोत्साहन शुरू किए गए। लेकिन एक ऐसे देश में जहां अंधविश्वास व्याप्त था, नसबंदी को लागू करना मुश्किल साबित हुआ, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इससे यौन शिक्षा कम होती है, दूसरों को ऑपरेशन टेबल पर मौत का डर था। आपातकाल से पहले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कठिन थे। 1972 और 1973 में औसत से कम वर्षा के कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी।
1973 के तेल संकट के कारण भारत का मामूली विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर थी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना गया और आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित होने के कारण सरकार पहले की तुलना में अधिक शक्ति से काम करने लगी थी। संजय गांधी के लिए, जो बिना किसी आधिकारिक पद पर रहे भी सरकार में बहुत जल्दी ही प्रभावशाली बन गए थे, यह एक बड़ा व्यक्तिगत मिशन था। उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य आधार, जिनमें वनरोपण, दहेज उन्मूलन, निरक्षरता उन्मूलन और झुग्गी झोपड़ियों को हटाना भी शामिल था। संजय गांधी के 5 बिंदुओं में से बाकी 4 नीरस और अनाकर्षक थे और करिश्माई नेतृत्व की साख बनाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे, लेकिन परिवार नियोजन था। यह एक बहुत ही बड़ी परियोजना थी जिसे सभी ने माना कि इसको हल करना राष्ट्र के जीवित रहने के लिए जरूरी था। समृद्ध होने की बात ही छोड़िए, संजय गांधी 1 साल में नतीजा चाहते थे। इसके लिए पूरी सरकार और पार्टी तंत्र को लगा दिया गया। नसबंदी शिविर लगाए गए और जरूरी लक्ष्य तय किए गए। संजय ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को कोटा आवंटित किया था, उन्हें हर संभव तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया था। जब लक्ष्यों को पूरा करने की बात आई तो कुछ भी मायने नहीं रखता था। जब नसबंदी की बात आई तो संजय ने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, जो प्रतिस्पर्धा जिला अधिकारियों तक पहुंच गई और व्यापक दबाव का कारण बनी। कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी गई थी जो अविवाहित थे, कुछ की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी और कुछ बहुत बूढ़े थे। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कई लोग सेप्टिक हो गए, कम से कम एक की मौत हो गई, सभी बुरी से सदमे में थे। नसबंदी शब्द आपातकाल की ज्यादतियों का पर्याय बन गया। उस समय के पत्रकारों ने कहा कि नसबंदी से बचने के लिए ग्रामीण अक्सर कई दिन और रात तक अपने खेतों में छिपे रहते थे। अगर नागरिक विरोध करते तो हालात घातक हो सकते थे। यूपी के सुल्तानपुर के नरकडीह में नसबंदी शिविर के लिए इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई गईं। उस कार्रवाई में कम से कम 13 लोग मारे गए थे। अभियान के वास्तविक पैमाने के बारे में कोई सटीक डेटा तो नहीं है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार 1977 में नसबंदी की संख्या 6 और 8 मिलियन के बीच थी, जबकि 1975 और 76 में यह और भी कम थी। चाहे इसका पैमाना कुछ भी रहा हो, नसबंदी निसंदेह इंदिरा गांधी की 1977 की हार में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। कांग्रेस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में कम हो गया, जहां अभियान को सबसे अधिक जोरदार तरीके से लागू किया गया था, जबकि दक्षिण में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, जहां कुल मिलाकर इसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़ा था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जो 5 कार्यक्रम सुझाए थे, वन रोपण की, साक्षरता मिशन, झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का कार्यक्रम चलाया था उन्होंने, और साथ ही जनसंख्या को रोकने के जो नियम बनाया था उन्होंने, हालांकि उसके बहुत ही प्रभावशाली प्रयास या प्रभावशाली असर देखने को मिला था, लेकिन उसको जिस तरीके से लागू किया गया, यानी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसके वजह से संजय गांधी खलनायक बन गए और 1977 में कांग्रेस की जो हार हुई थी, इंदिरा गांधी की जो हार हुई थी, उसमें एक सबसे बड़ी वजह इमरजेंसी के दौरान किया गया नसबंदी अभियान था। नमस्कार।